रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सोमवार को नवागत एसपी क्राइम एमपी सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न हुई। मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उनके अनुपालन के लिए निर्देशित भी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राहुल सिंह और जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी क्राइम एमपी सिंह ने कहा, मीटिंग का एजेंडा क्या है? यही एजेंडा है जो आपने बना रखा है, और उनको जाएगा आप क्या डीपीओ डॉक्टर ओमकार नाथ के बारे में पूर्व सदस्य किशोर मुझे चार से कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर उनकी दो नहीं पुलिस उपाधीक्षक जी आर पी सी ओ जी आर पी ए एल सी जनपद गोरखपुर पीछे तक आवाज नहीं जा रही है। बाकी लीगल जानकारी और गार्डियंस के लिए लीगल एक्सपर्ट्स हैं और हमारे एनजीओ है, और अगर हम लोग नहीं पहुंचे हैं जो पिछली मीटिंग में डिस्कस हुआ था उन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है तो मीटिंग निरर्थक कर रहे हैं, तो कोई पर्पज नहीं है हमें मीटिंग बुलाने का। ठीक है, कोई इश्यू डिस्कस हुआ तो मान लीजिए सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, पर हम कहें तो कि हमने पिछले मीटिंग में 10 पॉइंट डिस्कस किए उसमें से 4 पूरे हो गए या 6 पूरे हो गए। सर इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, थानों पर नाम और मोबाइल नंबर लिखे जा चुके हैं। तीसरा था ये पिलवाड़ी एस टी ओ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, नाम नंबर डिस्प्ले ही तो करना है केवल। सर नंबर तो अधिकांश क्यों लिखना है, मतलब 100% कंप्लायंस तो होना चाहिए। लेकिन जो ट्रांसफर हो जाने के बाद जो है वो नहीं, और नाम चेंज नहीं हो पाया, कहीं कहीं नाम इसलिए नहीं हो पाया की आपको क्या करना है, आपको दो लाइन छापना है एस एस पी साहब की तरफ से, स्थानांतरण होने के कारण आपके लिए बाल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, इतना ही तो करना है ना सर, उसको नोट कर लीजिए डायरी में। ठीक है, जो भी नई नियुक्ति हो अगर बाल कल्याण अधिकारी वहां से किसी और थाने गया तो उसमें अगर पहले से बाल कल्याण अधिकारी वो नामित नहीं है डाल लीजिए, काम आप ही करेंगे, जैसे ही चेंज हो थाने में वैसे डालते जाइए। ठीक है, और अगर काफी होचपोच हो गया हो तो नए सिरे से नामित करा दीजिए, इसको अपने पार्सल वर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, बाबू से ऐसा करिए जिनको सीओजी जिन थानों में नहीं है ये प्रस्ताव बना दीजिए एसएसपी गोरखपुर साहब की तरफ से, पीएचक्यू से डिमांड कर लीजिए पुलिस हेडक्वार्टर से, फॉर दोज पुलिस स्टेशन हु आर नॉट हैविंग सीओजी नंबर फॉर दिस चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है सर। जी सर, तो रजिस्टर में क्या लिखेंगे? जो बच्चा आता है थाने पर उसका नाम आयु पता मैटर, आने वाले बच्चे का क्या कंप्लेंट है उसका, क्या बात कर रहे हैं, मिसिंग का तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड रखते हैं। सर दिस वाज अबाउट द पुलिस अधिकारी पर्टिकुलर, उनकी समीक्षा, उनके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या इश्यूज हैं उस पे है, तो ये बात हुआ था कि जब तक वो अपनी बात नहीं रखेंगे कि उनके पुलिस स्टेशन में कितने बच्चों के केसेस चल रहे हैं जाते हैं, फिर हम जो बोलते हैं वो चले जाते हैं, लाइक एसबीआर सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट सीआईसीएल में फाइल करना होता है। आप ये जो जेडी एक्ट वाला सेक्शन कितना बोला आपने? 107 आप मुझे ये पढ़ने को दे दीजिएगा। यस यस सर, मैं सर एक एसओपी 2018 में डेवलप हुआ था वो भी दे दीजिएगा मुझे, मैं आपसे मिलकर सारा कुछ आपको दे दूंगा। तो मिलने के लिए अगर नहीं मिल पाए तब भी आप ऑफिस में मेरी टेबल पे छोड़ दीजिए। यस यस ठीक है बिल्कुल सर, तो उसका हम अध्ययन कर लेंगे, उसमें क्या करना है बिल्कुल आप बता रहे थे ना, उसमें चाइल्ड वेलफेयर का क्या क्या काम है। यस यस सर, तो आई विल सी दैट। ओके ओके,
इस मीटिंग का कोई बनाता है, कोई नोट करता है इसमें जो कार्रवाई होती है? आप नोट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सर? सर बाद में कार्यालय छापेंगे इसका? वो सर बाल कल्याण समिति के सबके द्वारा जो है वो होता है। क्या इस मीटिंग की कार्यवाही को कोई नोट कर रहा है इस समय? हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, फिर छपेगा कैसे अगर नोट नहीं करेगा? नया आदमी कोई याद नहीं रहेगा तो सर। मिठाई लाल साहब लिखते हैं, मिठाई लाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मिठाई लाल साहब कौन से हैं? वही सर। ठीक है सर। दूसरा थानों में पार्श्व पीड़ितों से संबंधित स्थिति का विशेष चर्चा। इस संबंध में मार्च सितंबर से दिसंबर 2020 तक 78 बच्चों को एसक्यू द्वारा रेस्क्यू किया गया और दिनांक 19/12/20 को भेजे अधिकारी पत्र द्वारा महिलाओं विशेषकर बच्चियों के साथ कराने एवं तत्संबंधित सलाह पत्र SOP के अनुसार प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई कराए जाने के संबंध में चर्चा। इसमें SOP सर आया हुआ था उत्तर इसमें सर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेषित महिलाओं विशेषकर बच्चियों के साथ घटित होने वाले छेड़खानी के अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है और उक्त पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिलाओं बच्चियों के साथ घटित होने वाले छेड़खानी जैसे अपराध अत्यंत निंदनीय है। इन घटनाओं से जनसामान्य में पुलिस की गरिमा एवं छत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं बच्चियों के साथ घटित होने वाले इस प्रकार के अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए अपने अपने जनपद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराकर इस प्रकार की कार्रवाई कराएं। ये कितने हैं आगरा में, यहाँ पर गोरखपुर में? सभी थानों पे इनकी जो है प्रभारी जो है। सभी थानों पर है कि कुछ सिलेक्टेड थानों पर? नहीं सभी थानों। 28 थाने हैं ना? ठीक है। सभी थानों पे इनकी जो प्रभारी नियुक्त है सर, उनकी मॉनिटरिंग जो है मंत्री होता रहता है, उनके प्रभारी जो है इंस्पेक्टर है। उनके प्रभारी आए हैं इस मीटिंग में? नहीं सर। उनके लिए मीटिंग में बुलाइए क्योंकि ये इसका हिस्सा है तो, और ऑलरेडी वो कार्रवाई भी करते रहते हैं, उनके पास कंपेयर रहता भी होगा कि कितने मजदूर पकड़े किस कॉलेज के पास से पकड़े और क्या कार्य योजना है। इसके अलावा जो डायल 112 चल रहा है, डायल 112 में सिलेक्टेड 112 पर महिलाएं भी होंगी नियुक्त राष्ट्र के बीच शहर वालों पे? चार वो चलती है PRP जिस पर महिलाएं हैं। ठीक है, उसकी अलग से मीटिंग करके समीक्षा करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-4 में और ला देंगे। तो ये जो सुझाव और DGP महोदय के निर्देश इसमें लिखे हुए हैं, दीज आर ऑलरेडी बीइंग कंप्लायंट विथ, पूर्व से ही इन पर चल रहा है और एक बार और समीक्षा कर लेंगे इसको और क्या मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब पुलिस की ओर से ही होना है तो हम लोग कर लेंगे इसको। ASQ और SGPU की ये मासिक मीटिंग होती है, वो मीटिंग अपने निर्धारित टर्न पे हुई है। इसमें DPO और SEGM साहब, अध्यक्ष बाल कल्याण परिषद और चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर और जो बेगर्स होते हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं या उनके वेलफेयर के लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है, चाहे पुलिस विभाग हो या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, उनके आश्रय स्थलों, उन सभी समस्याओं के बच्चों के भविष्य को बेहतर करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के संबंध में ये मीटिंग की गई है। देखिए ये मीटिंग तो बच्चों के लिए, बच्चे बालक और बालिका दोनों ही हो सकते हैं, तो हमारी चर्चा का मुख्य विषय था बच्चों के अधिकारों के प्रति बढ़ावा देना, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जो बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, उनकी हर तरीके से मदद करना।